हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 8.1 ली थी, आज मैं एक्सरसाइज 8.2 लेने जा रही हूँ। और इसके पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एंगल्स बताऊंगी जो कि 0 से 90 के बीच में होते हैं। इसमें जैसे साइन 30 दिया है, कॉस 30 है, टेन 60 है, तो उसकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे। तो मेरे पास में जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा नहीं, अपन ऐसे करते हैं, पहले कॉसेक ले लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कल हमने करे थे। अब देखिए, इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका, आपको पूरी टेबल लर्न नहीं करनी है, केवल आपको साइन थीटा लर्न करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब हमको कॉस थीटा लिखना है तो इसका उल्टा करते जाओ, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, 1/2 हम यहाँ लिखेंगे, 0। दिस इज द इजी वे टू लर्न। और फिर हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं tan थीटा की, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसमें क्या होएगा, पहले tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0/1, तो ये क्या होती है, 0। फिर हम आगे आते हैं कि हमारे पास में हमें tan 30 की वैल्यू करनी है, तो हम क्या करेंगे tan 30 के लिए, 1/2 √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3। ऐसे इसको भी आप रखते जाओ और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इसमें क्या आएगा, 10/90 में 1/0, 0 की कोई टेबल होती है नहीं, तो इसीलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली कॉसेक थीटा पे आते हैं, कॉसेक थीटा कल मैंने आपको क्या बताया था, इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो वापस ये 1/0 होगा, तो 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। फिर हम आते हैं कॉसेक 30 डिग्री पे, कॉसेक 30 का मतलब क्या हो गया, 1/1/2, तो इसका मतलब हमको उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, 1/1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड इट बिकम्स 2। इस तरह से आप अपनी टेबल को ये कंप्लीट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1/1/√2, तो √2 देट बिकम्स 2/√3, तो इस तरह से आप अपनी टेबल को निकाल सकते हो। अब जैसे sec थीटा है, तो sec थीटा क्या होता है, cos का रिवर्स, cos का रिवर्स मतलब 1/1, तो ये हो गया 1। फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, 1/√3/2, इन दिस वे यू कैन प्रोसीड। तो ये टेबल आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, और cot थीटा होता है tan थीटा का इनवर्स, तो आप इस तरह से अपनी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। चलो पहले सब बच्चे अपनी टेबल कंप्लीट करो ये, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड, कम ऑन नाउ मूव टू एक्सरसाइज। टुडे वी आर टेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। Let us start. Now see question number 2 and its fourth part. Fourth part, what is it? Choose the correct option. मैंने जनरली देखा है कि बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर का आ सकता है, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहे। 2 tan 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree, 1 minus 10 square 30 degree. Now what we have to do, 10 30 degree is 1/√3 and 1 minus 1/√3 whole square. 2/√3, 1 minus 1/3, 1/√3 into 1/√3, it becomes 1/3. Now you have to take LCM here. So 2/√3 upon 2/3. Have you understood this step? Here you have to take LCM. Now what it becomes? 2/√3 into 3/2. 2 and 2 cancels out.
3 अपॉन रूट 3. डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर नहीं होता है. तो इसको रेशनलाइज करो, 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3. सो इट बिकम्स 3 रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3. 3 एंड 3 कैंसल्स आउट. सो रूट 3, रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री. सो व्हाट इज द आंसर? रूट 3 किसकी वैल्यू है? 10 60 डिग्री की. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, 10 60 डिग्री. तो वहां आपके पास में ऑप्शन नहीं आएंगे, ये एक नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम. What is the question? If 10 a plus b equal to root 3 and 10 a minus b equal to 1 upon root 3. So find the value of a and b. What we have to find out? Value of a and b. And here it is given ki sum of a plus b should be less than 90 degree or equal to 90 degree and more than 0 degree. ये condition हमें question में दी हुई है side में. तो हमें इसमें क्या करना है अब इस question के अंदर? आपको मैंने अभी कुछ values बताई थी, उसमें 10 a plus b, write here solution and then start. 10 a plus b equal to root 3 किसका value है? 10 60 degree की. तो write here 10 60 degree. And what is the 1 upon root 3? 1 upon root 3 is 10 30 degree. Now here it is 10 and here it is, both are equal. So we can write it like this. A plus B equal to 10. A plus B equal to 60 degree and A minus B equal to 30 degree. ये हमारे पास में दो equation आ गई हैं. इनको solve कैसे करेंगे? Plus B और minus B cancels out. What is left? 2a equal to 90 degree and a equal to 90 upon 2, that is 45 degree. तो a की value हमारे पास में 45 आ गई. हम किसी भी equation के अंदर put up करें, a की value यहाँ से मैं 45 लिखती हूँ, तो b की value मेरे पास में क्या आएगी? 60 minus 45, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास में? 15 degree. आ गया समझ में निकालना? अब तुम देखो हमारी कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ए एंड बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमारे पास में देखो ए और बी का सम कितना आ रहा है? 60 डिग्री. सो वी आर करेक्ट. क्लियर? अब यस स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स का टाइम कम देखते हुए हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे और मैं आज आपको 8.3 की कुछ आइडेंटिटीज बता रही हूँ और आप 8.2 के कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना. अभी हमने दो क्वेश्चन करे, इसी पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो. जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसको आप ट्राई करें अपनी अपनी कॉपी में. 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1. इसमें हमें क्या करना है? फाइंड थीटा. थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये देखो, cos 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू है. अभी मैंने बताया था कि cos cos दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो देयरफॉर इट बिकम्स 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. बहुत से बच्चे यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, वो हमको नहीं करना है. केवल ये अंडरस्टूड है कि 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री. तो इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू आइडेंटिटीज ऑफ एक्सरसाइज 8.3. में हमने देखा कि कुछ आइडेंटिटीज इस तरह से यूज होती हैं, जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए. कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए.
ए क्या है हमारा, कोई भी एंगल हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, तो उसे हमें 90 में से माइनस करना है। तो 10, 10 का रिलेशन किसके साथ होता है, cot के साथ में, कल हमने आइडेंटिटीज में लिखा था, तो 10 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, एंड वी कैन राइट cot 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए, ये इसका cot और 10 वाइस वर्सा, साइन और कॉस वाइस वर्सा, ऐसे ही sec और cos, cosec की आप ले सकते हो, sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec है, और cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। अब इस पे बेस्ड मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। अभी हमने देखा कि कुछ हमने आइडेंटिटीज करी है, इस आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने sec और cosec का आपको रिलेशन बताया था, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, sec 4a, cosec को हम sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, yes we can convert it, sec 90 minus a equal to cosec a, तो मैं cosec की जगह क्या लिख सकती हूँ, sec 90 minus a, a हमारा यहाँ पर क्या है, a minus 20 degree, 90 minus a minus 20 degree, अब इसको हम big bracket में enclose कर देंगे, कभी भी स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट नहीं आता है। अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20 डिग्री एंड इट बिकम्स 5a इक्वल टू 110 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a इक्वल टू 22 डिग्री। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन, सी क्वेश्चन नंबर, what this question number is fifth, what is condition here that you have given that 4a, this is question number fifth, it is given that 4a is an acute angle, now you see that the value of a is 22 degree and if you multiply it with 4 it becomes 88 degree, and 88 is acute angle, so we are correct. Have you understood? In this way you can check this question. Now I move to question number 6, where that is also very important question and it also comes in the board exam. अच्छा इसमें ये जरूरी नहीं कि हमने sec और cosec लिया, इसमें कोई भी relation change कर सकते हैं, cot और tan का भी ले सकते हैं, sin और cos का भी ले सकते हैं, और a minus 20 की जगह हम कोई सी भी value put कर सकते हैं, लेकिन सबका तरीका एक है, आप इन questions को और practice कर सकते हैं। Now I am coming to question number 6, that is also most important question. What is the question? Look in your book, sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2. This is the question. Now look at the board. Now see, how can we do this question? You are given that, what is the given in the question? That A, B and C, these are the angles, interior angles of the triangle. Do you know the property of interior angles of the triangle? Yes, we know sum of angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Here you can write identity, sum of interior angles of the triangle. Now we have to, according to question, we want to put 2 in denominator, so what we will do, divide both side by 2, angle A plus angle B plus angle C upon 2 equal to 180 upon 2, so 180 upon 2 we can write it 90 upon 2, and here on the left side we want only B and C, so you can shift A to the right side, angle B plus angle B plus angle C upon 2 equal to 90 minus angle A upon 2. अब तुम्हें इस 90 को देख के कुछ याद आ रहा होगा कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हम 8.3 की आइडेंटिटीज हमने शुरू में करी थी उसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन टू, और इसको हम कैसे लिखेंगे आगे, साइन
एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू, ये किसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को, कॉस में. याद करो उस आइडेंटिटी को, डू यू रिमेंबर इट, दैट कॉस 90 माइनस एंगल ए अपॉन टू. व्हाट इज दिस, दिस इज अवर ए, 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए. सो वी प्लेस हियर बिग ब्रैकेट, नाउ सॉल्व इट. साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस 90 माइनस 90 प्लस ए अपॉन टू, इट बिकम्स कॉस 90 माइनस 90 प्लस ए अपॉन टू. 90 कैंसिल्स आउट, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन. What we have to prove in the question, sin b plus c upon 2, and this we have proved. Sin b plus c upon 2 equal to cos a upon 2, hence proved. Is it clear? अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने साइन कॉस लिया है. एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है. और आज आप जाके इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, और इफ़ यू फेस एनी डाउट यू गो टू कमेंट सेक्शन एंड यू आस्क द प्रॉब्लम्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.